السلام عليكم سامي. سامي وده ده كلا وكو अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवाज आप लोग को आ रही है? वालेकुम हेलो, सलाम, सर आ रही है, आवाज आ रही है। ओके, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है?
यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। लेक्चर आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 है, और जो कंपोनेंट्स ऑफ डायवर्जन एडवर्क के अंदर तो नहीं आता, लेकिन ये जो है रिवर्स ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर ये टॉपिक हमारा आता है, उसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास, हमने जो है स्पर्स के बारे में जो है पढ़ लिया था, ग्रोइंस के बारे में पढ़ेंगे आज, और कंपैरिजन बिटवीन स्पर्स एंड ग्रोइंस करेंगे, और कुछ जो है सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स के बारे में हम आज जो है पढ़ेंगे। So, what is groin? The function of groins is similar to that of spurs, but these are impervious permanent structure constructed on the curves of river to protect the river bank from erosion. जो groins हैं, ये हमारे पास जो है, इनका जो function होता है, वो हमारे पास similar to that of spur होता है, ठीक है? लेकिन ये जो है, हमारे पास जो है impervious permanent structure होते हैं, और इनको हम जो है ऑन द कर्व्स ऑफ रिवर के ऊपर जो है, हम इनको जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर के ऊपर हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि इरोजन से अपने बैंक्स को बचा सके। स्पर्स का भी जो है यही फंक्शन था कि वो हमारे जो बैंक्स है उनको प्रोटेक्ट करे, लेकिन वो हमारे पास जो है परवियस स्ट्रक्चर थे, और ठीक है वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं थे और परवियस थे, क्योंकि उनके थ्रू जो है सीपेज वाटर जो है गुजर सकता था। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ग्रोइंस जो है हमारे पास, ये हमारे पास इंपरवियस स्ट्रक्चर है, यानी कि इनके थ्रू जो है पानी नहीं गुजर सकता, और ये हमारे पास जो है परमानेंट सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम द बैंक टुवर्ड्स द बेड बाय मेकिंग एंगल ऑफ 60 to 75 degree विद द बैंक। इनका भी जो है जो स्पर्स थे हमारे पास, वो भी तकरीबन 60 to 75 degree के ऊपर हम उसको कंस्ट्रक्ट करते थे, और ये जो ग्रोइंस है इनको भी हम जो है 60 to 75 degree एंगल के ऊपर हम विद द बैंक जो है इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। द एंगल मे बी टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। इनका जो एंगल है वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन अपस्ट्रीम साइड के ऊपर भी हो सकता है और डाउनस्ट्रीम साइड के ऊपर भी हो सकता है। समटाइम इट इज मेड परपेंडिकुलर टू द रिवर, और बाजों का जो है कुछ कंडीशन को देखते हुए इसको परपेंडिकुलर टू द रिवर भी हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। These are constructed with a rubble mastery in trapezoidal section, and the surface is finished with stone pitching or connected logs. ये हमारे पास जो है rubble mastery से इनको हम construct करते हैं, और इनका जो section होता है वो हमारे पास जो है trapezoidal section होता है, और इनके surface के ऊपर जो है stone pitching या concrete blocks जो है उसकी उसके through जो है इसकी finishing की जाती है। स्टोन पिचिंग और द कंक्रीट ब्लॉक्स आर सेट विद रिच सीमेंट मोर्टर। जो स्टोन पिचिंग है या कंक्रीट ब्लॉक्स है वो जो है उनको जो है लगाया जाता है विद रिच सीमेंट मोर्टर। लेंथ ऑफ द ग्रोइन डिपेंड ऑन द विड्थ एंड नेचर ऑफ द रिवर। जो ग्रोइन की लेंथ है और उसकी जो विड्थ है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिवर के ऊपर, के उसकी विड्थ कितनी है, शार्पनेस कितनी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितनी है, तो इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। The top width varies from 3 meter to 4 meter. इसकी जो top width होती है वो तकरीबन 3 meter से लेकर 4 meter तक होती है। The side slope may be 1.5:1 or 2:1, और जो side slope है वो तकरीबन 1.5:1 या 2:1 के हिसाब से जो है provide की जाती है। The groins are provided in series throughout the effected length of the river. और ये जो groins है इनको जो है series में जो है provide किया जाता है throughout the effected length. Effected length से मुराद ये है कि आपके पास जो है वहाँ पर जो है velocity जो है बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पर erosion जो है बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो आपके पास जो है affected area of the river bank कहलाता है। नॉर्मली ये जो इफेक्टेड एरिया है वो हमारे पास जहाँ पर रिवर्स के अंदर कर्व्स आते हैं, तो वहाँ पर ये जगह जो है हमारे पास नॉर्मली होती है। स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट ग्रोइंस इज जनरली कैप्ट एज 2L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द ग्रोइन। जो स्पेसिंग है बिटवीन टू एडजेसेंट ग्रोइंस के दरमियान, ठीक है, वो तकरीबन 2L से रखी जाती है, और L जो है हमारे पास जो है लेंथ ऑफ द ग्रोइन है।
These are recommended for rivers where the permanent solution of erosion control is extremely necessary. जो ग्रोइंस है ये हमारे पास उन जगहों पे जो है रिकमेंडेड किए जाते हैं जहां पर परमानेंट सॉल्यूशन इरोजन के कंट्रोल के लिए जो है एक्सट्रीमली नेसेसरी हो या एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड हो। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ के पास जो है सेक्शन ऑफ ग्रोइन है, ठीक है। स्लोप आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5:1 के हिसाब से स्लोप जो है प्रोवाइड की गई है, ठीक है। ये इसका जो है टॉप विड्थ है जिसकी लेंथ तकरीबन 3 मीटर से 4 मीटर रखी जाती है। ये जो है इसको जो है रबल मशीनरी से जो है विद रिच सीमेंट मोटर जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और ऊपर से इसके ऊपर जो है कंक्रीट ब्लॉक्स जो है वो लगाए गए हैं विद रिच सीमेंट मोटर। अच्छा पिच जो है उसके बाद जो है कुछ टाइप्स है हमारे पास ग्रोइंस के, तो उनको जो है हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास, फर्स्ट वन है अट्रैक्टिंग ग्रोइन। अट्रैक्टिंग ग्रोइन क्या है? The groin which is constructed obliquely to the bank by making an angle of 60 degree to 75 degree towards the downstream is known as attracting ground. Here the flow of water is attracted towards the bank and the velocity of flow is reduced to such an extent that it cannot cause any erosion to the bank. ये जो groin है इसको जो है construct किया जाता है at an angle of 60 degree to 75 degree, ठीक है। इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये जो है हमारे पास इसको जो है अट्रैक्टिंग ग्रोइन कहते हैं क्योंकि ये जो है इसके जो फ्लो ऑफ वाटर है वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द बैंक, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज रिड्यूस्ड टू, और इसके थ्रू जो वेलोसिटी को इतना रिड्यूस किया जाता है कि वो जो है जो बैंक है वहां पर जो है कोई इरोजन जो है वो कॉज ना कर सके। However, safety के लिए जो है a bank is protected for stone pitching is provided for safety. जो extra safety के लिए extra safety को achieve करने के लिए जो bank है, however वहाँ पर जो है stone pitching भी जो है provide की जाती है। Figure में आप देख सकते हैं यह के पास जो है attracting groin है, ठीक है। ये जो है obliquely जो है इसको construct किया गया है, obliquely मुझसे मुराद ये कि तिरछा, ठीक है। तिरछे नैस इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। यह के पास जो है रिवर बैंक है, ठीक है। ये रिवर के अंदर आपके पास जो है कर्व आया है, तो नॉर्मली जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि इनको जो है हम नॉर्मली रिवर बैंक्स की जो जहां पर हमारे पास रिवर के अंदर कर्व होती है वहां पर इनको जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसका जो एंगल है ये आप देख सकते हैं कि इसको जो है 60 डिग्री एंगल के ऊपर विद द बैंक जो है इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। ये आपको जो टी शेप में जो है नजर आ रही है आपके पास जो है अट्रैक्टिंग ग्रोइन कहलाता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड है और इसको जो है अट्रैक्टिंग ग्रोइन कहते हैं। तो वाटर रिवर वाटर आता है यहाँ पर जो है हाई वेलोसिटी से आता है यहाँ पर जब स्ट्राइक करता है, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर जैसे वाटर स्ट्राइक करते हैं रिजल्ट उसकी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। यहाँ से आकर वो दोबारा यहाँ पर जो है जब स्ट्राइक करता है तो रिजल्ट उसकी वेलोसिटी और जो है विद एनर्जी और डिसिपेट हो जाती है, उसकी वेलोसिटी जो है कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूव करती है। सो इस तरीके से हमारा जो रिवर बैंक है वो इरोजन से जो है बच जाता है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्टोन पिचिंग भी प्रोवाइड की गई है और एक्स्ट्रा सेफ्टी। टोटल जो लेंथ है ग्रोइन की वो उसको हम एल से डिनोट करते हैं और दो जो ग्रोइंस है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम 2L के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास जो है रिपेलिंग ग्रोइन है। रिपेलिंग ग्रोइन क्या है? अ ग्रोइन व्हिच इज अलाइंड टुवर्ड्स अपस्ट्रीम एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू 75 डिग्री विद द रिवर बैंक इज नोन एज रिपेलिंग ग्रोइन। A still water pocket is formed on the upstream water upstream where silting takes place. Here the bank's protection is not necessary because the flow of water does not touch the bank and there is no effect of erosion on the bank, but still boulder pitching should be provided for safety. जो repelling groin है ये भी जो है to 60 degree to 75 degree जो है इसको construct किया जाता है with the river bank, ठीक है। लेकिन इसका जो ये जो है अलाइन होते हैं टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड, जो अट्रैक्टिंग ग्रोइन है वो टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड है, जबकि जो रिपेलिंग ग्रोइन है इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड है।
सो इन दोनों में जो है ये डिफरेंस है कि आपके पास जो अट्रैक्शन ग्रोइन है वो टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जबकि जो रिपेलिंग ग्रोइन है वो उसको जो है टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसके अंदर जो है एक वाटर पॉकेट जो है फॉर्म हो जाते हैं जहां पर सिल्टिंग जो है होती रहती है, ठीक है, और इसका जो बैंक है इस तरीके से जो है इसका जो बैंक प्रोटेक्शन है वो जो है नॉर्मली जो है रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बैंक तक जो है जब आप रिपेलिंग ग्रोइन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वाटर जो है बैंक तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता, तो इस वजह से जो इफेक्ट ऑफ इरोजन है वो कम्प्लीटली जो है कम हो जाती है। लेकिन फिर भी इन ऑर्डर फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी हम जो है स्टोन पिचिंग या बोल्डर पिचिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑन दी बैंक। फिगर में आप देख सकते हैं इसका, ये आपके पास जो है ये जो टी शेप में आपको नजर आ रही है आपके पास जो है रिपेलिंग ग्रोइन है, इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड है, ठीक है, इसका भी टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड है। वाटर आता है यहाँ पर, आता है यहाँ पर स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब स्ट्राइक करता है तो पानी जो है इसका डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो है थोड़ी देर के लिए जो है रुक जाता है, तो उसके अंदर जो सिल्ट वगैरह होती है वो भी नीचे जो है डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, और फिर पानी जो है यहाँ से फ्लो करके यहाँ पर आते हैं तो दोबारा जब यहाँ पर स्ट्राइक करता है तो और पानी जो है कम हो जाता है, ठीक है, पानी की वेलोसिटी जो है कम हो जाती है और पानी यहाँ पर जो सिल्ड होता है तो वहां पर वो डिपॉजिट होता रहता है, ठीक है, और साथ ही पानी जो है नॉर्मली इस केस के अंदर जो रिपेलिंग ग्रोइन है इस केस के अंदर जो है आपके जो रिवर बैंक है वहां पर जो है नजदीक नहीं जाता बल्कि दूर दूर से जो है पानी जाके डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है मूव करता है बिकॉज ऑफ दिस रिपेलिंग ग्रोइन। एक्स्ट्रा सेफ्टी को अचीव करने के लिए यानी कि रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टोन पिचिंग भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है ऑन दी रिवर बैंक। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन। डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन से मुराद क्या है, द ग्रोइन व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन। वो ग्रोइन जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद द रिवर बैंक उसको हम जो है डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं ये आपके पास जो है डिफ्लेक्टिंग ग्रोइन है जिसको परपेंडिकुलर टू द रिवर बैंक कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर से मुराद ये है कि 90 डिग्री के ऊपर आप उसको जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। हियर द फ्लो ऑफ वाटर इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ बैंक बाय द परपेंडिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन ग्रोइन। द फ्लो ऑफ वाटर फॉलोज एन अंडुलेटिंग पाथ जस्ट आउटसाइड द हेड ऑफ द ग्रोइन। An eddy current is formed on the upstream side of the groin. This eddy current will not affect the river bank, but the bank protection is provided for safety. यहाँ पर जो है पानी जब आता है तो यहाँ पर जब स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है eddy current जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। eddy current से मुराद क्या है कि जब मैंने आपको पहले भी बताया कि जब पानी जो है इसको जो है क्रॉस करंट भी कहते हैं या eddy current भी कहते हैं इसको, ये जब पानी गोल गोल घूमता है, ठीक है, उर्दू में इसको बमर कहते हैं, ठीक है, तो इसको जो है हम कहते हैं एडीज करंट या क्रॉस करंट। तो पानी जब आता है यहाँ पर स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो गोल गोल घूमता है और फिर यहाँ से जो है दूसरी साइड की तरफ मूव करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एरिया के ऊपर आपके पास जो है पानी जो है जो रिवर बैंक है वो ऊपर आपको जो है टच नहीं करता, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो रिवर बैंक है वो आपके जो है वाटर से बचा रहता है वाटर की हाई वेलोसिटी से और आपकी वहां पर जो है इरोजन जो है नहीं होती। यहाँ से आके जब वो यहाँ अगेन स्ट्राइक करता है अगले ग्रोइन के साथ तो फिर जो है क्रॉस करंट जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्रॉस करंट का एक फायदा तो ये भी है कि यहाँ पर आपके पास जो सेल्ट डिपोजिशन होती है वो भी कम होती है, ठीक है, वो भी अपने साथ जो है डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ जो है लेकर चला जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है पानी को जो है ये दूर से जो है ले जाता है फ्रॉम द रिवर बैंक। एक्स्ट्रा सेफ्टी को तो फिर भी अचीव करने के लिए ताकि जो क्रॉस करंट है वो एक्चुअली क्योंकि पानी इसमें गोल गोल घूमता है तो यह किनारे को जो है या रिवर बैंक को जो है खराब कर सकता है, उसके अंदर इरोजन प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसको जो है इसके लिए जो है एक्स्ट्रा सेफ्टी को अचीव करने के लिए जो है यहाँ पर भी जो है स्टोन पिचिंग या बोल्डर पिचिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है इन ऑर्डर टू इंश्योर एक्स्ट्रा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कंपेरिजन बिटवीन स्पर एंड ग्रोइन है, ठीक है, तो स्पर इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर जबकि जो ग्रोइन है ये हमारे पास जो है परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है,
इट इज परमिएबल, इट इज इम्परमिएबल. स्पर जो है हमारे पास जो है परमिएबल इन नेचर है, यानी कि उस क्रॉस द स्पर जो है पानी जो है गुजर सकता है, जबकि क्रॉस द ग्रोइन जो है पानी जो है वो नहीं गुजर सकता, वो हमारे पास इम्परमिएबल है. स्पर इज कंस्ट्रक्टेड विद बेम्बू पाइल, टिम्बर पाइल, सैंड बैग्स, बोल्डर्स एटसेट्रा, जबकि जो ग्रोइन है इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं विद रबल मैसनरी और विद सीमेंट मोर्टर. Spur requires repair works, जबकि groin does not require any repair work. Spur जो है चूंकि temporary structures होते हैं तो उनको जो है repair की जरूरत होती है, जबकि जो groin है ये हमारे पास permanent structure होते हैं और इनको कोई repair की जरूरत नहीं होती. Spur is recommended for small rivers whereas groin is recommended for large rivers. Spur जो है इनको हम small rivers के लिए recommend करते हैं, जबकि groin को जो है large rivers के लिए recommend करते हैं. Spur is useful for low or medium velocity of flow. Spur जो है ये हमारे पास वहाँ पर useful है जहाँ पर velocity of flow जो है low हो या medium हो, जबकि groin is suitable for high velocity flow. Groin जो है हमारे पास suitable है वो high velocity flow के लिए, क्योंकि वो हमारे पास permanent solid structure होते हैं, ठीक है. इसलिए आप उसको जो है वहाँ पर इसको recommend करते हैं जहाँ पर velocity flow जो है high हो. Next जो है हमारे पास shutters and gates है. Shutters या gates जो है हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि शटर्स जो है हमारे पास जो है स्टील के गेट्स होते हैं जिनको हम जो है जो वियर के ऊपर जो है लगाते हैं ताकि एक्स्ट्रा पॉन्डिंग हमारे पास हो सके, जबकि जो गेट्स है इनको जो है हम राइज के अंदर इंस्टॉल करते हैं और इन गेट्स के थ्रू हम वाटर लेवल को जो है राइज करते हैं. फंक्शन शटर्स और गेट्स की क्या है कि दे मेंटेन द पॉन्ड लेवल, गैप के जो पॉन्ड लेवल है या वाटर लेवल इसको जो है मेंटेन रखते हैं. आल्सो दे राइज वाटर लेवल ड्यूरिंग लो फ्लड, और लो फ्लड्स के दरमियान अगर आपके पास रिवर के अंदर पानी कम है तो उस केस के अंदर आप जो है शटर्स एंड गेट्स, अगर आपको एक्स्ट्रा पॉन्डिंग चाहिए वाटर या आपको रेस करना है तो आप गेट्स को बंद कर दें या शटर्स जो है लगा दें, तो उस वजह से आपके पास जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है वो जमा हो जाएगा और आपके पास जो है एक्स्ट्रा पॉन्डिंग होगी. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स है. जब भी हम कोई डाइवर्जन हेडवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस वजह से हमारे पास जो है सिल्ट की जो है प्रॉब्लम होती है कि कुछ टाइम के बाद जो है इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है हमारे पास जो है सिल्ट जो है वो जमा हो जाती है. तो उस जब सिल्ट आपके स्ट्रक्चर के ऊपर जो है जमा हो जाती है तो उसकी वजह से उसके जो फंक्शन है वो जो है सही तरीके से जो है वो नहीं कर सकता, तो इस वजह से उस सिल्ट को जो है रिमूव करना पड़ता है. तो सिल्ट को रिमूव करने के लिए जो काम हम करते हैं उसको हम सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स कहते हैं. द एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू अ कैनाल व्हिच टेक्स ऑफ फ्रॉम अ हेड वर्क कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग सर्टेन स्पेशल वर्क्स कॉल्ड सिल्ट कंट्रोल वर्क्स. सिल्ट की एंट्री को कैनाल के अंदर रोकने के लिए, ठीक है, और उसको हेड वर्क से हटाने के लिए जो है हमको जो है कुछ स्पेशल वर्क्स जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको हम जो है सिल्ट कंट्रोल वर्क्स या सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स कहते हैं. दीज वर्क्स मे बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टू टाइप्स, इनको हम टू टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द सिल्ट एक्सक्लूडर्स एंड सेकंड वन इज द सिल्ट इजेक्टर्स. ये तो जो है टाइप्स है, इनके थ्रू जो है हम सिल्ट को कंट्रोल करते हैं. सिल्ट एक्सक्लूडर्स क्या है? सिल्ट एक्सक्लूडर्स आर दोस वर्क्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेड ऑफ द रिवर अपस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर. सिल्ट एक्सक्लूडर हमारे पास वो वर्क्स है जिनको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द हेड, यानी कि आपके पास जो हेड रेगुलेटर है उससे पहले कैनाल हेड रेगुलेटर से पहले इनको हम जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द रिवर बेड. दिस द क्लियर वाटर एंटर्स द हेड रेगुलेटर एंड सिल्टेड वाटर एंटर्स द सिल्ट एक्सक्लूडर. इसकी जो इसके अंदर जो क्लियर वाटर है वो हेड रेगुलेटर के अंदर इंटर होता है और जो सिल्टेड वाटर होता है वो सिल्ट एक्सक्लूडर के अंदर जो है इंटर होता है. इन दिस टाइप ऑफ वर्क द सिल्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर बिफोर इट एंटर्स द कैनाल. और इस टाइप ऑफ वर्क के अंदर हमारे पास जो सिल्ट है उसको जो है पहले रिमूव कर दिया जाता है बिफोर द वाटर एंटर्स द कैनाल. फिगर में आप देख सकते हैं यह के पास जो है एक सिल्ट एक्सक्लूडर है, यह के पास जो है डिवाइड वही जो है आपके पास जो डाइवर्जन नेटवर्क है उसका डायग्राम है. यह के पास वियर है, डिवाइड वॉल है, ठीक है, फिश लैडर है. उसके बाद जो है यह के पास जो है पियर्स जो है टनल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किए गए हैं और एंड के ऊपर आपके पास यह के पास हेड रेगुलेटर है, ठीक है.
ये उसका जो है सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं सी सी सेक्शन, यहाँ पर इसको जो है काटा गया, ये आप देख सकते हैं ठीक है। ये जो है पियर्स जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और दी रिवर बेड के ऊपर ठीक है, और उसके ऊपर एक टनल स्लैब जो है डाला जाता है। तो टनल्स जो है इन फॉर्म ऑफ टनल जो है इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जो सिल्टेड वाटर होता है वो हैवी होता है और जो क्लियर वाटर होता है वो लाइट होता है। तो इस वजह से जो क्लियर वाटर होता है वो ऊपर बहता है हमेशा और जो सिल्टेड वाटर होता है वो हमेशा नीचे बहता है ठीक है। तो जैसे वाटर आता है यहाँ पर ठीक है, तो सिल्टेड वाटर चूंकि नीचे होता है तो वो नीचे इन टनल्स के अंदर जो है चला जाता है, जबकि जो क्लियर वाटर होता है वो ऊपर चला जाता है ठीक है। सो इन टनल्स के सामने ही हमारे पास जो है अंडर स्लूसेस के गेट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है। सो जब काफी अमाउंट ऑफ सिल्ट जो है यहाँ पर जमा हो जाता है तो फिर इन गेट्स को जो है ओपन कर दिया जाता है और इन गेट्स के थ्रू नीचे से जो है वो सिल्ट जो है रिमूव कर दिया जाता है ठीक है। और जब सिल्ट रिमूव हो जाता है तो इन गेट्स को दोबारा जो है क्लोज कर दिया जाता है, जबकि जो क्लियर वाटर होता है तो वो हेड रेगुलेटर के थ्रू आपके कैनाल के अंदर जो है एंटर होता है। तो इस तरीके से जो है जो सिल्ट एक्सक्लूडर है वो काम करता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास सिल्ट इजेक्टर है। सिल्ट इजेक्टर आल्सो कॉल्ड सिल्ट एक्सट्रैक्टर, दीज आर दोज डिवाइसेस व्हिच एक्सट्रैक्ट द सिल्ट फ्रॉम द कैनाल वाटर आफ्टर द सिल्टेड वाटर हैज ट्रैवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस इन द ऑफटेकिंग कैनाल। जो सिल्ट इजेक्टर है इनको हम सिल्ट एक्सट्रैक्टर्स भी कहते हैं, और ये हमारे पास वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम सिल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं कैनाल वाटर ठीक है, कैनाल से। जब वाटर कैनाल के अंदर जो सिल्टेड वाटर है वो कैनाल के अंदर कुछ डिस्टेंस तक जब ट्रेवल करता है तो उसके बाद हम इसको जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं। दीज वर्क्स आर देयरफॉर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेड ऑफ द कैनाल। इस वजह से ये जो सिल्ट इजेक्टर्स है या सिल्ट एक्सट्रैक्टर है इनको हम जो है कैनाल बेड के ऊपर हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अ लिटिल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द हेड रेगुलेटर, और इस पर जो है हम कुछ डिस्टेंस के बाद जो है हेड रेगुलेटर से कुछ फासले के ऊपर हम इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं ठीक है, यह के पास जो है मेन आपके पास जो है कैनाल है, यह के पास कैनाल हेड वर्क है ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है एक डायफ्राम सा जो है कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है ठीक है। यहाँ से आपके पास जो वाटर आपके जो डाइवर्जन हेडवर्क से वाटर आपके हेड कैनाल जो रेगुलेटर है उसके थ्रू आपके कैनाल के अंदर इंटर होता है ठीक है। तो इन डायफ्राम के साथ ये डायफ्राम की जो है कुछ हाइट जो है रखी जाती है ठीक है। तो पानी आता है डायफ्राम के साथ जो है कड़ा होता है ठीक है, और इन डायफ्राम जो क्लियर वाटर जो जब पानी कड़ा होता है तो इसके अंदर जो सिल्ट होता है वो नीचे बैठ जाता है और क्लियर वाटर ऊपर जो है जमा होता रहता है। तो जब पानी इस डायफ्राम के लेवल तक आ जाता है तो उसके बाद जो है पानी इस डायफ्राम के ऊपर से जो है नीचे आ जाता है। अगेन फिर एक और डायफ्राम जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इस डायफ्राम के नीचे जो है बड़े बड़े टनल्स जो है टनल शेप के अंदर जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, और इनके साथ जो है सेल्ट इजेक्टर जो है मशीन जो है वो उसके साथ जो है लगाया जाता है। तो अगेन पानी जब इस डायफ्राम को पास करके इधर आता है तो पानी अगेन यहाँ पर जो है जमा होता रहता है, तो जो और सिल्ट जो कुछ ना कुछ बाकी सिल्ट होता है तो वो भी नीचे बैठता जाता है ठीक है। तो जो क्लियर वाटर होता है वो इस डायफ्राम के ऊपर से आपके किनाल के अंदर जो है नीचे ट्रेवल करता है ठीक है। ऑन द अपस्ट्रीम साइड सो नीचे जो सिल्ट बैठ जाता है तो उसको इंटरनल्स के थ्रू जो है नीचे से जो है एक्सट्रैक्ट करके जो है उसको जो है बाहर फेंका जाता है या उसको जो है रिमूव किया जाता है। सो इस तरीके से ये सेल्फ एक्सट्रैक्टर या सेल्फ इजेक्टर जो है ये काम करते हैं। यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। Excuse me, sir. जी सर, ये डायफ्राम का हेड जो है ना वो हम किस बेस पे लगाते हैं? वो डायफ्राम का वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो है कि आपने जो आपके पीछे जो जो डाइवर्जन हेडवर्क आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो वहां पर आपने कोई सेल्ट रेगुलेशन वर्क जो है वो प्रोवाइड की है या नहीं की। अगर आपने प्रोवाइड नहीं की है
आपके पास जो रिवर के अंदर जो वाटर आएगा वो सॉरी जो कैनाल नेटवर्क के थ्रू आपके कैनाल के अंदर वाटर इंटर होगा तो आपका रिजल्ट जो है ज्यादा होगी। तो उस हिसाब से आप जो है हाइट उसकी जो है तकरीबन ज्यादा रखते हैं, ठीक है। यस सर, नॉर्मली ये डिपेंड करता है आपके कैनाल वेट के ऊपर, साइड कंडीशन के ऊपर, ठीक है। और इसको जो है प्रॉपरली जो है डिजाइन किया जाता है बाय हाइड्रोलॉजिस्ट, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है ये जो है डिपेंड करता है कि आपने जो है पीछे रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोवाइड की है या नहीं की है। अगर आपने प्रोवाइड की है तो फिर इसकी हाइट जो है कम रखी जाती है, क्योंकि अगर जो पीछे जो है सिल्ट ज्यादातर रिमूव हो जाती है और यहाँ पर जो सिल्ट होती है वो कम होती है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर जो है फिर इसकी जो हाइट होती है वो इसको कम रखा जाता है। लेकिन अगर पीछे आपने सिल्ट रेगुलेशन वर्क्स प्रोवाइड नहीं की तो फिर इसकी हाइट जो है ज्यादा रखी जाए, तो ताकि एक्स्ट्रा जो सिल्ट है यहाँ पर जो इसको जो है रिमूव किया जा सके। यस सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग का यहाँ आपका आज का जो लेक्चर है वहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। जी सर, सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर। सर जी तो सर जी बुला रहे यार। जाहिदुल्ला आया सर जी दा गूगल मीट रिकॉर्डिंग चिकन दे सर जी दाम लगा अपलोड के सर जी। नुतबिया हमारा खबर है कहता था पोर्टल कतले रे सर जी मां केनो को लावे सर जी जिन्ने को लावे ता यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रहे रे बाने तो कम करना जोस दा लेक्चर में आवाज तो दा उस रिकॉर्डिंग मौजूद पर यूट्यूब चैनल वाले अपलोड कर मानो ता रे बाने बोरा ठीक था सर जी मेहरबान। ग्रुप क्या था लिंक ब्या शेयर को मारे ने बाने तलाश से आता कि रे बाने चेक कमा टूल अपलोड करी थी। हां मेहरबान सर जी, होटल बाने में अपलोड सी वीडियो पर यूट्यूब चैनल बाने भी। ओके थैंक यू।